का सीएम नीतीश ने लिया जायजा, राजधानी समेत कई इलाकों का किया दौरा। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का बयान, कहा कानून बनाने से देश के हित में होगा बड़ा काम। और रांची एयरपोर्ट पर ओलंपियनों का जोरदार स्वागत, सीएम सोरेन खुद रहे मौजूद, महिला हॉकी टीम के सदस्यों को सौंपा 50-50 लाख रुपए। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो पटना से सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू पंचायती प्रकोष्ठ की अहम बैठक हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां 22 उपाध्यक्ष, 58 महासचिव और 67 सचिव मनोनीत हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पंचायती प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राधा चरण सेठ ने घोषणा की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बिहार पंचायत चुनाव में जेडीयू अपनी उम्मीदवारी का समर्थन करेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की पटना से आपको बता रहे हैं, जहां जेडीयू पंचायती प्रकोष्ठ की बैठक हुई और इस बैठक में नितिन नवीन ने ये बयान दिया है। बता दें आपको कि इसमें 22 उपाध्यक्ष के साथ साथ 67 सचिव का चुनाव किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पंचायती प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राधा चरण सेठ ने ये घोषणा की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निषेध जुड़ गए हैं। निषेध, आज इस बैठक में जेडीयू ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब बिल्कुल देखिए, जनता दल यूनाइटेड अब पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गई है और पंचायती प्रकोष्ठ की ओर से एक अहम बैठक हुई। उस बैठक में जो पंचायती राज प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष हैं राधाचरण साह, वो मौजूद थे और उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 22 उपाध्यक्ष, 58 महासचिव और 67 सचिवों का मनोनयन हुआ है और उनको जिम्मेदारी दी गई है संगठन को किस तरीके से मजबूत करे। साथ ही राधाचरण साह ने यह भी कहा कि बैठक में किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड मजबूत हो, किस तरीके से विस्तार हो, उसको लेकर के चर्चा हुई है और दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पंचायत चुनाव में भी जनता दल यूनाइटेड अपनी आजमाइश करेगी, ये साफ राधाचरण साह ने कर दिया क्लियर कि जनता दल यूनाइटेड पूरी मजबूती से इस बार पंचायत चुनाव में भी उतरेगी। और उससे पहले जो ये बैठक है, ये कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। निश्चित साफ तौर पर समर्थन करने की बात भी कही जा चुकी है जेडीयू की तरफ से। निषेध, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी निषेध, तो जेडीयू ने ये साफ तौर पर कहा है कि वो अपने उम्मीदवारों की समर्थन भी करेगी। आप बिल्कुल देखिए, राधाचरण साह से जब हमने बातचीत की तो उनका साफ कहना था कि पंचायत चुनाव के बहाने जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं संगठन को पंचायत स्तर पर संगठित करने की योजना में काम कर रही है और कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं उनके वो मजबूती से काम करेंगे और उसके साथ ही समर्थन भी दिया जाएगा, ये कहना है। आने वाले वक्त में इसका डिसीजन होगा कि आखिर किसी के साथ मिलके चुनाव लड़ेगी या फिर क्या निर्णय होता है उनका। बिल्कुल निषेध, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बिहार की राजधानी पटना सहित कई जिलों में बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार पटना भ्रमण पर निकले। इस दौरान सीएम नीतीश ने पटना सिटी स्थित कंगन घाट पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सीएम गंगा किनारे सड़क पर गंगा का पानी देख अधिकारियों पर बिफर पड़े। बता दें कि लगातार बारिश के कारण बिहार की राजधानी सहित कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल स्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण बाढ़ की स्थिति आ चुकी है। तो बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार आज कई घाटों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। दरअसल बाढ़ की स्थिति अब उत्पन्न होने लगी है। कई ऐसे पटना के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गंगा नदी का पानी जो है अब वो मुख्य इलाकों में प्रवेश करने लगा है। ऐसे में आज नीतीश कुमार ने कई घाटों का निरीक्षण किया। गंगा जल का स्तर तो बढ़ रहा है, ये तो पता ही जब भी कभी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो हम तो दोनों की स्थिति को देख रहे थे। इधर कल इसके बारे में हम लोगों ने एक मीटिंग की और उसके बारे में पूरी जानकारी ली तो सबके बारे में जानकारी मिली किसका जल स्तर और बढ़ रहा है, इसके जल स्तर को और बढ़ने की संभावना है। तो इसी के लिए आज हम देख लिए कई जगहों पर
और पूरी तैयारी जो 2016 में जो गंगा का जल स्तर हुआ था, तो गंगा नदी के किनारे वाले जितने जिले हैं आप समझ लीजिए 12 जिले, तो कुल मिला के सब के बारे में ध्यान रखना होगा, तो उन सब चीजों के लिए ही इसको देखना था। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से दियारा वासियों को परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। मनेर प्रखंड के दियारा क्षेत्र में गंगा सोन के पानी में बढ़ोतरी को देखते हुए मनेर अचल अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने दियारा क्षेत्र के कई गांव और टोले का जल जमग्न होने की जानकारी देते हुए नाव की व्यवस्था के बारे में बताया। वहीं जल जमाव की वजह से आवागमन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। पूरी परिस्थितियों पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं सरकार और अचल कार्यालय की ओर से बाढ़ की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है और लोगों को आने जाने के लिए छोटी नाव का सहारा दिया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गांव और टोला है वो जलमग्न हो गया है। लोग जो हैं वो अब सुरक्षित जगहों पर पलायन भी कर रहे हैं। प्रशासन जो है वो भी मदद लगातार कर रही है। ऐसे में बाढ़ का खतरा कई ऐसे जिले हैं बिहार के, वहां पर मंडरा रहा है और ऐसे में जरूरी है कि जो लोग इस खतरे के में आ सकते हैं उस पर प्रशासन नजर बनाए और उनके मदद के लिए लगातार व्यवस्था करे। हम लोगों ने दियारा क्षेत्र में जो 6 पंचायत है उसमें जलस्तर में वृद्धि हुई है, उसको हम लोगों ने देखा, कोई स्थिति पैनिक नहीं थी। आज जलस्तर में 1-2 फीट और पानी बढ़ा है, तो सड़क में बहुत दूर तक जहाँ तहाँ सड़कें प्रभावित हुई हैं। स्थिति पर पैनी निगाह रखी जा रही है। लोग सर लोगों का आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, इस पर क्या? आने जाने के लिए भी दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी वैसी पैनिक की स्थिति नहीं है, लोग अपना पैदल चालन कर रहे हैं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की समस्याएं जारी है। दिन ब-दिन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिस कारण गांव और घरों में नदियों का जल प्रवेश कर गया है। परवत्ता प्रखंड अंतर्गत तेमथा करारी में बीते 3 सप्ताह से ही दर्जनों घर जलमग्न हो चुके हैं और दिन ब दिन नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बाढ़ ग्रस्त ग्रामीणों के अनुसार नौका व्यवस्था, राशन व्यवस्था और मेडिकल सुविधा तक भी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण बाढ़ पीड़ितों के चेहरे पर स्थानीय नेतागण और सरकार के प्रति निराशा देखी जा रही है। बहुत सारी समस्या है, यातायात की असुविधा है और राशन पानी का दिक्कत है, घर सब डूब चुका है। सरकार के द्वारा और स्थानीय विधायक के द्वारा यही सहयोग के नाम पे नाव दिया गया हम लोग को। हम लोग चाहते हैं कि सरकार के द्वारा अभी हम लोग को राशन पानी का व्यवस्था किया जाए, ऊंचे स्थानों का सुरक्षित जहां हम लोग रह सकें उसका व्यवस्था कराया जाए। नगर निगम सफाई कर्मी की हड़ताल से पटना की सड़कों पर कचरों का अंबार लगा हुआ है। बता दें कि सफाई कर्मी वेतन, मेडिकल सहित विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और सड़कों पर बस कूड़े ही देखने को मिल रहे हैं और पटना वासियों को इसकी वजह से परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसका जायजा लिया संवाददाता निषेध ने। सरकार पटना को पेरिस बनाने का सपना दिखाती है, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम आपको आज दिखाएंगे। इस वक्त हम मौर्या लॉ कॉम्प्लेक्स के ठीक बाहर हैं और ये तस्वीर रोड की है, देख सकते हैं। अमूमन साफ सुथरी ये जगह रहती है, लेकिन अभी के हालात क्या हैं, जगह जगह कचरा गिरा हुआ है। कारण क्या है वो कारण हम आपको बता देते हैं। कारण है कि जो भी सफाई कर्मी है नगर निगम के, वो पिछले 9 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 15 सूत्री मांगे हैं उनकी, और जब तक उनका कहना है कि उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है, मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक वो काम नहीं करेंगे। यानी कुल मिला के कहे तो सफाई का जो काम है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। सामने देखिए बोर्ड, सिटी ऑफ पटना का बोर्ड है, मौर्या लॉ कॉम्प्लेक्स के ठीक बाहर का ये नज़ारा है। पूरी सड़कों पे जगह जगह ये कचरा फेंका हुआ है। ये तस्वीर कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ें बयां कर रही है कि जिस तरीके से सफाई का काम पूरी तरीके से ठप पड़ा है, तो क्या सरकार जो दावे कर रही है कि राजधानी पटना को पेरिस बनाएंगे, तो क्या ऐसे ही पटना को पेरिस बनाया जाएगा? सड़कों पर जगह जगह कूड़े का अंबार पड़ा है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिलीप सिंह हुआ। अच्छा, पटना को पेरिस बनाने की कोशिश है, लेकिन ये जगह जगह कचरा आप देख रहे हैं, एकदम हर जगह कचरा है, सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। सफाई कर्मी हड़ताल पे? हाँ, हड़ताल पे है, ये मान लीजिए काम नहीं हो रहा, कचरा कचरा फेंका हुआ है रोड पे, उनको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इससे आ रहे हैं तो दिक्कत भी हो रहा है? बहुत दिक्कत है, मान लीजिए कहीं पैर में लग जाता है, कहीं भी लग जाता है।
आप आ रहे कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं एजी कॉलोनी से। अच्छा, तो और कहीं ऐसा देखने को मिला कचरा फैला? बहुत जगह मिला, बहुत जगह। हाँ, अधिकतर जगह कचरा। हाँ, अधिकतर जगह इसी तरह रोड पे फेंका हुआ है। तो देखिए, लोगों को भी परेशानी हो रही है और ये हालात सिर्फ एक इलाके का नहीं बता रहे हम, पटना के अधिकतर इलाके हैं। डाक बंगला चौराहे की बात करें या फिर कोतवाली थाने के आगे के इलाके की बात करें, और ये जो सबसे प्रसिद्ध मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स है, ठीक उसके बाहर की तस्वीर देखिए, किस तरीके से जगह जगह कूड़े का अंबार पड़ा है, कचरा फेंका हुआ है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तमाम सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तब तक वो काम नहीं करेंगे। सहयोगी विकास के साथ निशेत ठाकुर, डीटीवी भारत। शहीद दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक आने मार्ग स्थित लोक संवाद में 11 अगस्त 1947 को देश की आजादी के लिए शहीद हुए 7 अमर शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हुए पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो बता दें आपको कि शहीद दिवस के मौके पर सीएम ने श्रद्धांजलि दी है, अमर शहीदों की कुर्बानियों को याद किया है। और सीएम शहीद दिवस के मौके पर उन तमाम शहीदों को याद किया और जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी है उसके लिए उन्हें सत-सत नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी है। और आपको बता दें कि 11 अगस्त 1947 को जब देश की आज़ादी के लिए शहीदों ने कुर्बानी दी थी, वो दिन आज भी तमाम लोग याद करते हैं और उन शहीदों को सत-सत नमन करते हैं। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में अमर शहीद खुदीराम बोस का 113वां शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान जेल को लाइट और फूलों से सजाया गया। जेल पार्क, फांसी स्थल और खुदीराम बोस सेल को भी सजाया गया। जेल अधीक्षक राजीव कुमार सिंह ने अहले सुबह फांसी स्थल सहित अन्य जगहों पर माल्यार्पण किया। जाति जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण पर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण सद्भावना का माहौल बनेगा। जातिगत जनगणना जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने के बाद किया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून से देश के हित में बड़ा काम होगा। बड़ा विषय है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर निश्चित रूप से बनना चाहिए और उस पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को, किसी भी लोगों को पूरे राष्ट्र के स्वरूप में सोचना चाहिए। नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से, हम लोगों ने शुरू से कहा है कि जाति जनगणना विषय केंद्र में ऑलरेडी गया हुआ है, केंद्र पर उस विषय पर चर्चा और विमर्श हो रहा है, लेकिन जो बड़ा विषय है वो जनसंख्या नियंत्रण का है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने कहा है कि आपसी जमीन बंटवारा ना होने के कारण जमीन विवाद के ज्यादा मामले आ रहे हैं। बिहार में विकास के कारण जमीन की कीमतें बढ़ गई है। भूमिहार परिवार में विवाद पैदा कर दखल कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से जमीन का रसीद कटवाने की व्यवस्था सरकार ने की है। जमीन विवाद से बचने के लिए जमीनी विवाद से बचने के लिए ऑनलाइन रसीद कटवाने का काम करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि बिहार के नौजवान सोशल मीडिया के माध्यम से जमीन का पर्चा कटवाएं और विवाद से बचे। बिहार भाजपा ने एक बार फिर मोदी सरकार की प्रशंसा में जमकर कसीदे गढ़े हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार और देश का विकास हो रहा है। देश के हर वर्ग के लोगों को बिहार और केंद्र सरकार तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। तो दूसरी ओर राहुल गांधी गंभीर मुद्दों से मुंह मोड़ कश्मीर की सैर सपाटे पर निकल गए हैं। हमारी सरकार सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास में विश्वास करने वाली है। किसानों के लिए हमारी सरकार ने खेतों में सस्ते दरों पर बिजली पहुंचाने का काम किया है, पानी पहुंचाने का काम किया है, किसानों को बीज देने का सस्ते दर पर काम किया है, खाद सस्ते दर पर देने का काम किया है, सम्मान देने का काम किया है,
सम्मान निधि देकर करके प्रधानमंत्री जी ने दिया है। पटना पुलिस के दावों को मुंह चिढ़ाते हुए अपराधी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। घटना के बाद अपराधी आराम से फरार हो जाते हैं, पर पुलिस खाली हाथ मलते रह जाती है। ताजा मामला पटना के बीचा का है, जहां हथियारबंद आधा दर्जन बाइक सवार अपराधियों ने एक सोना कारोबारी को दुकान में घुसकर गोलियों से भून दिया और कैश और आभूषण लेकर लूटकर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 30 को जाम कर आगजनी कर विरोध प्रदर्शन किया। बीटा थाना प्रभारी अतुल यश कुमार ने बताया है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मोबाइल लड़का हमारा पटक दिया, फिर हमारे भैया अंदर थे, मतलब बढ़ाने वाले थे हम लोग, तो उन पर भी हमला कर दिया लोग, माँ बहन गाड़ी देते हुए अब पूरा बंदूक तान दिया, बंदूक से हमको मारा, भैया को भी मारा, गोली चलाया, दो तीन को फायर किया अंदर, तब लूट मार कर दिया। क्या गोली किसी को लगा भी है? भैया को लगता है कि लगा हुआ है कि क्या गोली लगा हुआ है, नहीं बताएंगे, वो बेहोश है, पूरा ब्लड बिगड़ा है, हमारा भी देखे मार के फोड़। कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। शव को फिलहाल स्थानीय पुलिस की मदद से कटिहार सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जहां ये हत्या हुई है वहां से पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी का आवास महज 100 गज की दूरी पर है। प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों के आवास वाले प्रक्षेत्र में सरेआम इस तरह की घटना पर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। शादीशुदा है वो? ये शादीशुदा है, इनका बाल बच्चा भी है जी। कितने बच्चे हैं? कै गो बच्चा है इनका? दो गो बच्चा है। सर जानकारी क्या मिली थी आपको? कुछ जानकारी हमको तो अभी पता जब मिल जा रही है तो पता चला कि गोली मार दिया गया। हम जब हॉस्पिटल आए तो पता चला कि पंपम जाओ गोली लगा। अभी देखे उनको चेहरा देखे, कोई दुश्मनी वगैरह की? यहाँ तो कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने यहाँ के वो रहने वाले नहीं है, कहीं और के हैं क्या? सैदपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पे किराए के मकान में रहते हैं? नहीं, अपना मकान, अपना मकान बनाया। हाजीपुर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। मृतक का शव घर के अंदर बिस्तर पर पड़ा हुआ बरामद किया गया है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी गई। इस दौरान पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारों की पहचान करने में जुटी है। फिलहाल पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका है। इधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। हाजीपुर का कटरा मोहल्ला में आज शाम में 4 बजे सूचना मिला कि सुमन सिंह का डेड बॉडी उनके घर में पड़ा हुआ है। इस पर स्थानीय थानेदार यहाँ पर आए थे, नगर थाना के थानाध्यक्ष आए तो देखे कि द्वितीय तल पर उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ है और सिर में दो गोली लगा हुआ है जिसमें उनकी मृत्यु हुई है। उनका कोई परिजन यहाँ पर थे नहीं, परिजन लोग उनका आ रहे हैं, अब आने के बाद क्या आता है मैटर, प्राथमिकी मिलने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। उनके घर में CCTV लगा हुआ, हम लोग उसको देख रहे हैं, कुछ आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र स्थित नदी में एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने शव की पहचान कर हिलसा मुख्य सड़क पर शव रखकर मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। दिनेश रविदास नाम का युवा के काम करने गया था, शाम को घर नहीं लौटा तो लोग खोज किए इधर उधर रात में 2-3 घंटा, लेकिन नहीं कहीं मिला। लेकिन सुबह में कावा पुल के नीचे निकट लाश पानी में डूबा हुआ था, उसको लोग निकाल कर रोड पर, मेन रोड पर रख के उनकी मुआवजा की मांग कर रहा है। बिहार प्रतिभा के साथ अजूबों के लिए जाना जाने वाला प्रदेश है। बिहार की धरती पर कुछ अजीबोगरीब काम वैश्विक पलट पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। इस तरह का कुछ मामला छपरा जिले के एकमा प्रखंड के साधरपुर में घटित हुआ, जिसका वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शव यात्रा में ऑर्केस्ट्रा और नृत्यकी के साथ भोजपुरी गानों पर लोग थिरकते दिख रहे हैं। कंधे पर शव लिए लोग जमकर ठुमका लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सहित तमाम सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। वायरल वीडियो के पड़ताल पर पता चला कि वीडियो एकमा के
सादपुर का है, जहां एक बुजुर्ग की शव यात्रा में परिजनों ने भोजपुरी गाने पर जमकर ठुमके लगाए। मृतक भोला यादव के परिजनों ने मौत के गम को ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से खुशी में बदल दिया। भोला यादव की मृत्यु 104 वर्ष की उम्र में हुई है। बेहद बुजुर्ग अवस्था में स्वाभाविक मृत्यु के बाद परिजनों ने शव यात्रा में संगीत, नृत्यकी और ऑर्केस्ट्रा कर शव यात्रा को चर्चित बना दिया। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले को गंवाने के बाद अपना ओलंपिक सफर खत्म करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम ने हार कर भी दिल जीता और खूब तारीफ हासिल की। इस कामयाबी के बाद स्वदेश और गृह राज्य लौटने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रही सलीमा टेट और निक्की प्रधान को सम्मानित करते हुए 50-50 लाख रुपए का चेक सौंपा। रांची हवाई अड्डे पर दोनों खिलाड़ियों टेटे और प्रधान का जोरदार स्वागत किया गया। सरायकेला में नकली पिस्तौल लहराते नदी किनारे सेल्फी लेना कार सवार युवक को महंगा पड़ गया और वे पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ताजा मामला जिले के स्वर्णरेखा नदी के किनारे का है। बता दें आपको कि थाना प्रभारी राजन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि नदी के किनारे 6 युवक और 2 युवतियां पिस्तौल के साथ सेल्फी ले रहे हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल हरकत में आई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। सरायकेला जिला के राज्य के कृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय नरेंद्र नगर कांड्रा में समाज सेवी कामदेव महतो की देखरेख में अच्छे अंक से मैट्रिक पास करने वाले 5 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी कामदेव महतो ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आगे की पढ़ाई मेहनत लगन के साथ करें। उन्होंने कहा कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। कांड्रा नरेंद्र नगर हाई स्कूल में टॉप 5 छात्रों को सम्मानित किया एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।